हाय गाइस, मेरा नया वीडियो है जो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दादाजी कितने साल के हैं और उनके साथ क्या क्या घटना हुआ है। अब बताएंगे ये हमारे दादाजी, जो आप देख सकते हैं कि इनका 3 महीना ही बचा है और ये 100 साल के हो चुके हैं। तो गाइस, हम इनसे पूछेंगे कि इनके बारे में क्या क्या घटना हुआ है। दादाजी बताइए, आपके बारे में क्या क्या है, बचपन से बताइए। बचपन से खेलते कूदते थे और हम अपना जब कुछ खेलने कूदने पहले स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे तो मास्टर हमको मारता था, भाग दिए, हम नहीं पढ़े। आपकी जन्मतिथि क्या है? मेरा जन्म तिथि 1927 का है। मतलब अंग्रेज ज़माना के हैं? हाँ। तो बताइए, अंग्रेज़ को आप देखे हैं? अंग्रेज़ को देखे नहीं है, पर देखें बराबर है, इतना बड़ बड़ रहे तब बोट पर ही। अच्छा है, तो महात्मा गांधी जी माने राज करता था, केवल 2.5 महीना राज किया है वो, तहाँ उसको नाथूराम मार दिया गोली से मार दिया वो महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू राज किया है, फिर हमारे ज़माने में जवाहरलाल नेहरू राज किया है, फिर उसके बाद उसका लड़की राज किया है, इंदिरा गांधी राज करे हैं, फिर उसके बाद संजय गांधी का गोल गिर गया जिहाद से, तो फिर राज और बताइए, और फिर राज किया है मथुरा प्रसाद दुबे जी। आपको कितना साल हो गया? मेरे को 1927 में जोड़ लो, उसे तो मैं 90, 98, 99, 100 पहुँचने का काम, 1 साल बचा है। लेकिन पहले बताते थे कि जन्म तिथि आगे करके बढ़ा के लिखाते थे बोल के। हाँ, जन्म तिथि आगे, उससे पहले के हैं आप? हाँ, उसके पहले से हैं। पहले आप क्या करते थे? खेती किसानी करते थे। और खेती किसानी करते, फिर बाल बच्चा होने लगा, शादी हो गए। पहले आपके पास दुकान भी था? हाँ, दुकान भी था पहले। और अब इतने साल की उम्र में आप चल लेते हैं? हाँ, चल लेता हूँ बाबू। दिखाई देता है आपको? एक से आँखी में नहीं दिखाई देता। अच्छा, एक नाइन में इसमें नहीं दिखाई देता। हाँ हाँ। और ये आपके गले में क्या है? गले में वो उसको नहीं बताता। अच्छा, नहीं, बड़े लड़का यहाँ फरुआ दबा दिया था, फरुआ का पेट। ये कब से हुआ है आपको? मैं जब 40-45 साल का उम्र समझ, कब से हुआ है आपको? हाँ, कोई परेशानी? परेशानी तो नहीं है, पहले था, अब नहीं है। अब और बताइए, आपकी अपनी पत्नी के बारे में बताइए। पत्नी आ गया था उसमें, और दोनों जन जीते खाते थे, पति पत्नी। बाल बच्चा होने लगे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरा 2-3 खत्म हो गए। 5 बच्चे थे? हाँ, 5 बच्चे थे। और बताइए, आप क्या बताऊं बाबू, फिर हो गया, मैं जब वो हो गया ख़त्म, तो फिर मैं अलग हो गया।
अच्छा अलग में रहते थे कुछ दिन, फिर माने आपका महतारी जो है सखवाहिन तो ले आया मेरे को। तो अभी किनके साथ रहते हैं आप? अब इन्हीं के साथ रहते हैं, सखवाहिन के साथ हुए। आपके बेटे का नाम क्या है? बंसीलाल। उन्हीं के साथ रहते हैं आप? हाँ। तो खाना पीना कैसा है आपका? खाना पीना ठीक है। और कोई परेशानी? अब कोई परेशानी नहीं है, इतना है कि अपना चल फिर लेता हूँ, गोड़ हाथ कभी कभी पिलाते रहते हैं। हाँ अभी सुमार में जियाना मुश्किल है, मर जिया सर। भगवान से क्या चाहते हैं आप? भगवान से चाहते हम बिना कि मेरे को ले जाओ। क्यों? अब यही परेशानी है सयानी का, सयानी मन में परेशानी यही है कि हाँ आन के हाथ से रेंग बाग रहता हूँ, अब नहीं तो नहीं चल पाता हूँ, भुला जाता हूँ। अच्छा। काल गिर गया और लेटिंग गया तो लेटिंग में गिर गया भट। और अपने बारे में बताइए कुछ। अपने बारे में मैं कुछ नहीं जानूंगा। कितने बाल बच्चे हैं और कहाँ तक फैले हैं आपके बाल बच्चे? नाटी पंटी बहुत है। कहाँ तक आप देखे हैं? मैं नाटी पर नाटी देखा हूँ, पंटी देखा हूँ, और पंटी के शादी भी ब्याह हो गया है और बाल बच्चा उनका हो गया है पंटी का। खाने पीने में कोई तकलीफ थोड़ी है? खाने पीने में तकलीफ नहीं है बाबू। अच्छा भाई जो देते हैं खाने को तो मिलता है, मैं अपना हाथ तो नहीं बनाता हूँ। हाँ। खाने को जो देते हैं वही खाता हूँ। अच्छा अच्छा। इतना काटने सवेरे असनवा देते हैं, आप फ्रेश हो जाता हूँ, घाम बैठे रहता हूँ। आपका सेवा कौन करता है? मेरा सेवा बंसीलाल करता है। कौन सा बेटा है वो आपका? सजला बेटा, मतलब तीसरे नंबर का। हाँ मजलत नहीं करता है भैया। सुनाई दे रहा है कि पहले आप सेठ थे? हाँ पहले सेठ मजार साहब, सेठ मानू सेठ। कानूनी दांव पेच जानते हैं आप? कानूनी दांव पेच मैं अपना उम्मीद भर लड़ा हूँ साहब। जमीन जायदाद कितने हैं आपके? जमीन जायदाद सही कर रहा था पहले, अब बांटा हो गया, एक एक ही कर पाए सब कुछ। और बताइए। और अब क्या बताऊँ? कुछ भी चीज़ पहले क्या करते थे आप बचपन में? बचपन में खेलता कूदता था, क्या करता था। कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? मैं पढ़ाई पहले दूसरी तक किया हूँ। उससे आगे क्यों नहीं किए? गुरु जी माँ ने तब नहीं करो भाग दियो तो माँ फिर नाम कटा दी मोट पिता जी। एक बाल बच्चा में था उनका। अच्छा। पहले अपने बाप का बच्चा नहीं होता था मेरा महतारी का, एक थे हुआ तो मैं ललार रहा तो पढ़ने लिखने में अरे जाने दो, कहीं बहुत ज़्यादा थे हमारे 12-13 एकड़ जमीन था पिता के हमारा। आपके साथ वाले कितने लोग हैं यहाँ? मेरे साथ लोग कौन नहीं है साहब बाबू, पापा सब चल बसे। सब चल बसे मतलब आप ही हो एक गांव में? हाँ गांव की बात है। हाँ गांव में कोई नहीं है मेरे साथ।
पीटी तक साथ में मेरा नहीं है सब, अकेले गांव में मैं हूँ। अब गांव वाले लोग आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गांव के लोग, काटने अब तुम अकेले बचे हो, बढ़िया ठस के से रहो। कहते खाता हूँ आके और वहाँ जाके बैठे रहता हूँ। अब तो बना बाबू जाए अंग्रेज जमाना में बढ़िया रहो, हम दूजे रह बड़े बड़े रह तो बोर्ड पर है मथुरा प्रसाद के, तब हम अच्छे इतने बड़े बड़े रहे तो खरनाथ गाड़ी में चढ़ के जिमीदार की गाड़ी में चढ़ के जान जंगल मारने के लिए खरहाट गोटली ठाकुर आए जिमीदार के लड़का और भाई वाले आवल मेरा मुड़न का पेट उकड़े वहाँ खाए कर बैठे बैठे उकर साथ बैठो जी मत जाओ घर घर बैठो बैठो। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं इतने साल की उम्र में भी ये चल फिर पा रहे हैं, और ये चल के दिखाएंगे आपको। इनको आज तक चश्मा नहीं लगा है, इनको अभी भी दिखाई दे रहा है। ये अपने से 200 मीटर दूरी से आ जाते हैं, खाना खा के फिर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको पूरी तरह दिखाई भी दे रहा है। आजकल के ज़माने में सभी को चश्मा लग जाता है, लेकिन इनको अभी तक नहीं लग पाया। गाइस आप देख सकते हैं बुजुर्ग आदमी हैं, मगर चलने में सक्षम है, अभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दादाजी के लिए प्लीज। गाइस आप देख सकते हैं इंटरव्यू के समय बच्चे लोग बदमाशियाँ। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस हम लोग पेड़ में खेलते हैं, ये देखिए मेरा उल्टा पुल्टा। लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना, प्यार से कमेंट और दिल से सपोर्ट करना। जय लाइक में सबके दिल में सही करना। तो गाइस अभी लंबा वीडियो होने जा रहा है, इसलिए हम लोग अभी यहीं विराम लेंगे। सेकंड पार्ट में बताऊंगा इनके बारे में, इनकी पत्नियां के बारे में, इनका ससुराल कहाँ है, कैसे ये काम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। इसलिए इनको सपोर्ट और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज। धन्यवाद।